सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल, क्या बोलती पब्लिक, सब बढ़िया, सब खैरियत। दोस्तों आज चलते हैं जिम में, जिम में वर्कआउट करेंगे, हम वहाँ देखेंगे क्या क्या वर्कआउट करते हैं आज हम, और मिलते हैं फिर जिम में। तो चले हम जिम। हम आ चुके हैं जिम में, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, फिर आज चेस्ट डे है, चेस्ट लगाएंगे। थोड़ा सा वार्म अप कर लेना ज़रूरी होता है, उससे क्या है कि ब्लड फ्लो तेज़ हो जाता है मसल्स में, और मसल्स क्या है कि प्रिपेयर हो जाती है वर्कआउट के लिए। तो हम करते हैं थोड़ा सा वार्म अप के लिए, डंबल प्रेस करेंगे बेंच पर, और थोड़ा सा हम लगाएंगे डंबल प्रेस करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा डंबल फ्लाई करेंगे और क्लोज ग्रिप डम्बस करेंगे। उससे क्या है चेस्ट हमारा अच्छा, ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा और वार्म अप हो जाएगा अच्छी तरह से। हाँ, हम आ चुके हैं फ्लैट बेंच प्रेस पे, और यहाँ पर हम लगाएंगे फ्लैट बेंच प्रेस और 10 से 12 रेपिटेशन निकालेंगे। 10 से 12 रेपिटेशन से ज़्यादा अगर निकले तो अच्छी बात है, नहीं तो 10 से 12 रेपिटेशन हमें लेना ही है किसी भी कीमत पे। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। और करते हैं, ये हमारा सेकंड सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड में हमने वेट बढ़ा है, थोड़ा सा वेट इंक्रीज़ किया है। वेट इंक्रीज़ करके लगाना बहुत अच्छा होता आएगा, और ये सेकंड राउंड में हम 10 से 12 रिपीटेशन फिर निकालेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे तीसरा सेट। तीसरे सेट में फिर हमने वेट को इंक्रीज़ किया है, वेट बढ़ा है, वेट बढ़ा के लगाएंगे। चेस्ट एकदम पंप कर रहा है और बहुत ख़तरनाक पेन कर रहा है, बाकी पेन होगा तभी तो गेन होगा। लगाते हैं हम, ये चौथा तीसरा सेट है हमारा। इसके बाद चौथा सेट फिर लेंगे हम, और चौथा सेट लेने के बाद हम एक्सरसाइज को चेंज करेंगे। और लगाते हैं दोस्तों चौथा सेट। चौथे सेट में थोड़ा सा सपोर्ट लिया है, सपोर्ट के साथ लगाते हैं क्योंकि वेट बहुत हैवी हैगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज चेंज करेंगे। अब हम करेंगे डिक्लाइन प्रेस। डिक्लाइन प्रेस लोअर चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और हम करते हैं इसे डिक्लाइन प्रेस। डिक्लाइन बेंच प्रेस के भी हम चार सेट लेंगे, और हर सेट में थोड़ा सा वेट बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमारा दूसरा सेट चालू हो चुका है। दूसरे सेट में भी हमने वेट बढ़ाया है क्योंकि वेट बढ़ा के ही लगाना चाहिए। हम इसके भी 10 से 12 रेपिटेशन निकालेंगे, और 10 से 12 रेपिटेशन निकालने के बाद देखते हैं कितने रेपिटेशन निकलते हैं, बाकी 10 से 12 तो लगाना ही है हमें। यहाँ पर हमारा तीसरा सेट स्टार्ट हो चुका है। तीसरे सेट में वेट बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा सपोर्ट लेना ज़रूरी है। थोड़ा सा सपोर्ट लिया है, और 10 से 12 रेपिटेशन इसमें भी निकालेंगे अपन। अब स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट सेट, ये चौथा सेट है। इसमें भी हम 10 से 12 रेपिटेशन निकालने की कोशिश करेंगे थोड़े से सपोर्ट के साथ। तो चलो लगाते हैं, बूम बूम। अब आते हैं हम इंक्लाइन बेंच प्रेस पे। इंक्लाइन बेंच प्रेस अपर चेस्ट के लिए बहुत शानदार एक्सरसाइज है, इससे बहुत अच्छा अपर चेस्ट डेवलप होता आएगा। इसमें भी हम 10 से 12 रेपिटेशन निकालने की कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा अगर निकलते हैं तो बहुत अच्छी बात है जी। यह हमारा दूसरा सेट है इंक्लाइन बेंच प्रेस का। इसमें भी हमने वेट को बढ़ाया है, और 10 से 12 रेपिटेशन इसमें भी निकालते हैंगे। चलते हैं अपने तीसरे सेट की तरफ। तीसरे सेट में भी हम सेम वैसे ही रूटीन फॉलो करेंगे। अब आते हैं हम चेस्ट फ्लाई की तरफ। चेस्ट फ्लाई बहुत शानदार एक्सरसाइज है इनर चेस्ट के लिए। इनर चेस्ट में जो लाइन आती है, जो डीक आता है चेस्ट में, वो बहुत शानदार आता है, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। इसके भी हम चार सेट लगाएंगे, और हर सेट में 10 से 12 रिपीटेशन ऐड करते जाएंगे।
अब लगाते हैं हम बार डिप्स। बार डिप्स लगाने का फ़ायदा ये है कि लोअर चेस्ट आपका बहुत अच्छे तरह से डेवलप होता है और शेप बहुत अच्छा आता है लोअर चेस्ट में, इसलिए इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके भी हम 4 सेट लगाएंगे, हर सेट में 10 से 12 रेपिटेशन लेंगे। अब लगाएंगे हम चेस्ट प्रेस। चेस्ट प्रेस मीडियल चेस्ट के लिए बहुत शानदार एक्सरसाइज है और ये आपके चेस्ट को, ओवरऑल चेस्ट को बहुत अच्छा डेवलप करती है। इसके भी हम 4 सेट लेंगे और चारों सेट में थोड़ा थोड़ा वेट को इंक्रीज करते रहेंगे। अब लगाएंगे हम डंबल फ्लाई। डंबल फ्लाई के 4 सेट लेंगे और चारों सेट में वेट को इंक्रीज करेंगे और इसी तरह से 4 सेट कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ हम ऐड करेंगे क्लोज ग्रिप डंबल, जो इनर चेस्ट के लिए बहुत शानदार एक्सरसाइज हैगी। अब करेंगे हम दूसरी एक्सरसाइज जो बाइसेप के लिए होगी, बाइसेप प्रेशर कर्ल। ये बाइसेप्स की पीक को उठाने के लिए बहुत शानदार एक्सरसाइज है। इसके भी हम 4 सेट लेंगे। अब हम लगाएंगे डंबल से। ये भी बाइसेप की पीक के लिए बहुत शानदार एक्सरसाइज है, आप भी इसे ज़रूर ऐड कीजिए और ये आपके बाइसेप को बहुत अच्छा डेवलप करेगी। यह हमारी लास्ट एक्सरसाइज है एप्स की। एप्स में पर डे लगाता हूँ और इसके हम 2 सेट लगाएंगे और मैक्सिमम जितने भी रेपिटेशन इसमें लग जाएं उतने रेपिटेशन में लगाने की कोशिश करूँगा। घर आ चुके हैं और टाइम है पोस्ट वर्कआउट मील का, तो लेते हैं पोस्ट वर्कआउट मील, फिर उसके बाद नहाएंगे और आज फ्राइडे, फ्राइडे के लिए जुम्मा पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिए अपना।